गुड आफ्टरनून मित्रों, वंशिका ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेंस की सीरीज के टेस्ट नंबर 2 में 4 प्रश्न हैं। पहले क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। दिया हुआ है x प्लस 1 इक्वल टू एक्स की पावर 4 और आपको बताना है 2x की पावर 4। तो इसमें जो है हम एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर को वह एक साइड में लाएँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको जो है हम 1 को उधर ले जाएं और दोनों तरफ 1/4 से ऐड कर दें, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड में हो जाएगा, 1 को उधर ले गए और दोनों तरफ 1/4 हमने जोड़ दिया, तो लेफ़्ट साइड में हो जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, और राइट में हो जाएगा 5/4। स्क्वायर रूट करेंगे तो x माइनस 1/2 आपका हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। माइनस 1/2 उधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 5/2 प्लस 1/2, तो आपका हो गया x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5/2 प्लस 1/2, ये आ गया आपका, ठीक है। नोट कर सकते हैं आप, और ये जितने भी नए क्वेश्चन हैं, हो सकता है ये मेंस में कहीं ना कहीं आए हो, लेकिन मेरे हिसाब से अभी ये सब नए ही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है इसकी आने की एग्ज़ाम में, तो आप नोट कर सकते हैं, कहीं इसका कलेक्शन कर सकते हैं। तो x की वैल्यू ये आ गई, और उसी इक्वेशन को आप फिर लीजिए, x प्लस 1 का x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको आप दोनों तरफ, आपको ज्ञात करना है ये 2x की पावर 2x की पावर 4 ज्ञात करना है। तो इसमें जो है आपने इसको फिर से ले लिया x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और राइट में हो गया x की पावर 4। ये हो गया आपका x स्क्वायर, जो ये लिखा हुआ है इसकी जगह आप लिख सकते हैं x प्लस 1। सब चला गया, कोई नहीं। तो ये है आपका x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपने दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और राइट में हो गया x की पावर 4, और इसकी जगह x स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं x प्लस 1 और प्लस 1 और प्लस 2x इक्वल टू x की पावर 4। x और 2x हो गया 3x प्लस 2, थ्री एक्स प्लस 2 इक्वल टू आपका x की पावर 4 आ गया। दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6x प्लस 4 इक्वल टू 2x की पावर 4, ये फाइंड करना है 2x की पावर 4, ये आपको फाइंड करना है, तो आपका ये आ गया आंसर 6x प्लस 4, लेकिन x के टर्म में आया। तो x की वैल्यू क्या आई थी, x की वैल्यू वो रख दीजिए, x की वैल्यू आई थी प्लस माइनस अंडर रूट 5/2 प्लस 1/2, तो प्लस माइनस लगा है तो प्लस की वैल्यू लीजिए आप पहले, तो प्लस की वैल्यू लेते हैं, तो इसमें अंडर रूट 5/2 प्लस 1/2, ये x की वैल्यू रख दिए हम, और प्लस 4, ये आपका सॉल्व कर लीजिए, ये 2x की पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी। तो जब इससे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3/5 और प्लस 6/2 मतलब 3 और प्लस 4, तो 4 × 3 = 7 प्लस 3/5, ये आंसर आ जाएगा। अगर हम माइनस वाला लेते हैं x का मान, तो 7 − 3/5 आ जाएगा, तो चौथा ऑप्शन सही है। सेकंड क्वेश्चन, इफ 9 की पावर 2x माइनस 1 माइनस 81 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 1944, देन x इज,
9 की पावर 2x माइनस 1 माइनस 81 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 1944। तो 9 की पावर 2x माइनस 1 और इसको 81 को आप लिख सकते हैं 9 की पावर 2 और 2 और पावर पहले से है तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x माइनस 2। ठीक है, तो अब जो है आपका क्या आया था, 9 की पावर 2x माइनस 1 और 9 की पावर 2x माइनस 2। अब राइट जो 9 की पावर 2x माइनस 2 है दोनों की पावर सेम करनी है, 9 की जो पावर है तो इसमें से जो है हम अगर माइनस 1 हम ऐड कर दें, इस तरह आप कर सकते हैं 9 2x माइनस 1 तो इसको 2 कर दीजिए, इस माइनस 1 को अगर आप 2 माइनस 2 कर दें तो इसमें 9 से इंटू करना पड़ेगा, तो जब 9 से इंटू करेंगे तो 9 की पावर 1 है, 1 इसमें ऐड होगा तो माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, और बाकी 9 2x माइनस 2 इक्वल टू 1944। अब इसमें आप ये कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो बचेगा 9 माइनस 1, जब आप कॉमन लेंगे 9 की पावर 2x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 9 माइनस 1 इक्वल टू 1944। तो 9 की पावर 2x माइनस 2 इक्वल टू 1944 अपॉन 8। ठीक है, 8 से डिवाइड करेंगे तो 243 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आ गया 9 की पावर 2x माइनस 2 इक्वल टू 243। ये 3 की पावर 5 होगा, 3 को हम अंडर रूट 9 लिख सकते हैं और अंडर रूट 9 मतलब 9 की पावर 1/2, तो 9 की पावर 5/2 आ जाएगा। ठीक है, बेस बराबर है, पावर्स की कंपैरिजन कर लें, 2x माइनस 2 इक्वल टू 5/2, 2 की पावर x माइनस 2 इक्वल टू 5/2, सॉरी पावर्स की कंपैरिजन करनी है तो 2 नहीं लिखा जाएगा, 2x माइनस 2 ये है पावर इक्वल टू 5/2, 2x 2 इधर आया 9/2, तो x बराबर 9/2/2 9/4। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, यदि द स्क्वायर ऑफ द सेवेंथ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक समांतर श्रेणी एक अंकगणितीय श्रेणी का जो सातवां पद है उसका जो वर्ग है वो विद पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस एक धनात्मक सार्व अंतर जो है बराबर है, एक धनात्मक सार्व अंतर है, तो जो भी श्रेणी है जो भी समांतर श्रेणी है उसका जो सातवां पद है उसका जो वर्ग है वो बराबर होगा तीसरे और सत्रहवें पद के गुणनफल के, ये कह रहा है। तो समांतर श्रेणी का जो एनवा पद, मतलब एनवा मतलब कोई भी पद हो, एनवा में दसवां बारहवां जो भी आ गया, तो उसका फार्मूला होता है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो डी डिफरेंस है श्रेणी के बीच का, टर्म के बीच का, एन जो है ये नंबर ऑफ टर्म, कौन सा वो टर्म है। ठीक है, तो माइनस वन हो जाता है मतलब एक कम हो जाता है, जब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है तो एक कम हो जाएगा इंटू डी। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सातवें पद का जो स्क्वायर है, तो सातवां पद है आपका ए प्लस एन माइनस वन, तो सात माइनस वन इंटू डी हो जाएगा तो ए प्लस सिक्स डी हो जाएगा, इसका जो स्क्वायर है वो बराबर है तेरहवें तीसरे पद मतलब ए प्लस टू डी इंटू सत्रहवें पद ए प्लस सिक्सटीन डी। ठीक है, तो ए प्लस सिक्स डी का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा ए प्लस टू डी और ए प्लस सिक्सटीन डी के प्रोडक्ट के। अब दोनों तरफ सॉल्व करेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे दोनों तरफ तो आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस
छत्तीस डी स्क्वायर प्लस 12 ए डी बराबर ए स्क्वायर प्लस आपका आ जाएगा 4 डी स्क्वायर प्लस 4 ए डी और इसमें ए स्क्वायर ठीक है और प्लस आपका सॉरी इसमें इंटू करना है ए स्क्वायर प्लस आपका 16 ए डी प्लस 2 ए डी प्लस 3 डी स्क्वायर तो इसमें आपका 36 डी स्क्वायर 36 डी स्क्वायर दोनों तरफ कट जाएगा 32 डी स्क्वायर नहीं ए स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा। कुल मिला के आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका लास्ट में ये आएगा 4 डी स्क्वायर इक्वल टू 6 ए डी ठीक है। डी डी कैंसिल हो जाएगा तो इसमें डी बाई 3 इक्वल टू ए बाई 2 तो 3 ए और डी का जो रेशियो आ गया वो आ गया 3 और 2 ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू कॉमन डिफरेंस ए और डी का रेशियो पूछ रहा है तो 2:3 आ गया ठीक है। ए पहले है और डी बाद में तो अनुपात 2:3 आ जाएगा। दोस्तों ये नए क्वेश्चन है मेरे हिसाब से तो आप इनका कलेक्शन करें और मिलाएं देखें क्या रिस्पॉन्स मिलता है आपका एग्ज़ाम में क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर नए क्वेश्चन आते हैं और कुछ पुराने भी आते हैं कुछ पुराने के आधारित पुराने पर आधारित आते हैं कुछ नए टॉपिक भी आ सकते हैं जैसे कि पहले कोऑर्डिनेट नहीं आती थी वो भी आने लगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आती थी वो भी आने लगी पहले शायद एडवांस भी नहीं आती थी तो हो सकता है लघुगणक आने लगे लॉगरिथम लघुगणक के क्वेश्चन आने लगे इसका भी मैं सीरीज आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है द पॉइंट्स 2,5 एंड 6,3 आर 2 एंड पॉइंट ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इफ द अदर डायगोनल हैज द इक्वेशन y इक्वल टू 3x प्लस c देन c इज। दो बिंदु हैं मित्रों और वो दो बिंदु जो हैं वो एक आयत है उसके विकर्णों के वो अंत बिंदु हैं ठीक है। एक रेक्टेंगल है इसका जो डायगोनल है उसके ये अंत बिंदु हैं 2,5 और दूसरे का है 6,3 ठीक है। ये दोनों बिंदु दिए हुए हैं एक आयत के। यदि अदर डायगोनल हैज जो दूसरा डायगोनल है इसका इक्वेशन दिया है y इक्वल टू 3x प्लस c दूसरा जो डायगोनल है उसका इक्वेशन दिया है आपको c का मान बताना है ठीक है। तो दूसरा जो डायगोनल है इसका इक्वेशन दिया हुआ है तो इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है तो ऐसा कोई बिंदु क्रिएट करें जो इस लाइन पर स्थित हो। तो आप देख रहे हैं कि दोनों डायगोनल हैं वो एक दूसरे को काट रहे हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं रेक्टेंगल के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं आधा आधा पे काटते हैं तो ये बिंदु निकल सकता है जो सेंटर है जो मध्य बिंदु है डायगोनल का तो 2,5 और 6,3 से निकल आएगा। मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2 तो 2 और 6 8 बटे 2 4 कामा 5 और 3 8 बटे 2 4 चार चार आ गया ठीक है। तो ये इसका निर्देशांक आ गया 4,4 ये 4,4 इस डायगोनल का इक्वेशन भी दिया हुआ है तो ये 4,4 इस पर स्थित होगा। स्थित होने का मतलब ये होता है कि हम वो वैल्यू उसमें रख सकते हैं। कोई भी बिंदु अगर किसी रेखा पर स्थित है तो हमें ये मानना ही पड़ेगा कि वो बिंदु जो है हम उस रेखा में जब उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल होगा ये हमें मानना ही पड़ेगा ठीक है। तो 4,4 इस रेखा पर स्थित है तो 4 को x और y को हम y मान के इसमें रख दें y की जगह 4 रख दें और 3 गुणे x की जगह 4 रख दें प्लस c 4 बराबर 12 प्लस c c बराबर 4 माइनस 12 c बराबर माइनस 8 तो ये आपका चौथा ऑप्शन सही है दोस्तों। और नए क्वेश्चन हैं ढूंढने में टाइम लग रहा है इसीलिए कम कम क्वेश्चन ही प्रोवाइड कर पा रहे हैं ठीक है। हो सकता है मेथड लंबा हो या अच्छा ना लग रहा हो आपको लेकिन क्वेश्चन तो आपको नए मिल ही रहे हैं आप उसका कलेक्शन कर सकते हैं और अपने हिसाब से सॉल्व भी कर सकते हैं अपने स्पेशलिस्ट टीचर से सॉल्व करवा सकते हैं। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको नए क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराऊं ताकि भावी एग्ज़ाम में जो SSC CGL का जो एग्ज़ाम है उसमें वो क्वेश्चन आपको मिल सकें।
अगर दो चार दस क्वेश्चन भी मिल गई तो मेरी यह मेहनत सार्थक हो जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, और घर में दो चार पाँच मोबाइल्स तो हैं, सबसे सब्सक्राइब करवाएं, अपने मित्रों को बताएं जो SSC सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करें, शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।